इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सर्च ऑपरेशन ईडी की तरफ से संजय सिंह के घर पर किया गया था, अब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ये बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जो कि पहले से जेल में है, और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह हमने देखा कि ईडी की टीम पहुंचती है और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आते हैं वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यहां पर संजय सिंह की बढ़ चुकी है। ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में ये अहम गिरफ्तारी हुई है, और जो आबकारी घोटाला है जिस मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है, और आपको बताएं कि करीब 10 घंटे तक संजय सिंह से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि कई सारे सवालों की फेरिस्ट ईडी के पास थी जिनके जवाब नहीं मिल पाए प्रवर्तन निदेशालय को। ऐसे में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले चाहे हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान देखें या उनके ट्वीट्स देखें, वो कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के आबकारी घोटाले में ये अहम गिरफ्तारी, संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है, और 10 घंटे की लंबी पूछताछ होती है जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। ये माना जा रहा है कि जो ईडी ने संजय सिंह से सवाल जवाब किए हैं उसके बाद संजय सिंह ने सही जवाब नहीं दिए हैं। जावेद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। जावेद, ये बड़ी गिरफ्तारी है संजय सिंह की, जो 10 घंटे पूछताछ हुई है, क्या ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं थी इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है, और क्या जानकारी अपडेट आपके पास? देखिए, संजय सिंह के सरकारी आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है, जो खबर आ रही है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं, सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई गई है। आम आदमी पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, हम आपको तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आगे की तरफ देखिए, पिछले दरवाजे पर जो कार्यकर्ता है वो आगे जा रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी की जो पार्षद है सारिका, क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी तक तो सब लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अभी तक बाहर नहीं लेके आए हैं, बाहर अब लोग दोनों तरफ लोग। सारिका चौधरी हैं पार्टी की पार्षद, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सर मैम, एक बार क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या खबर मिल रही है आपको? दीना जी बताइए। अरेस्ट कर रही है, यही खबर मिल रही है। देखिए, अरेस्ट कर रही है, ये भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर संजय सिंह के घर के बाहर, उनको भी ये खबर मिल रही है। और मैं आपको तस्वीरों में पिछले दरवाजे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, अर्धसैनिक बल है उनको बढ़ाया गया है, पीछे का एक रास्ता है यहाँ पर तैनाती है पिछले दरवाजे पर। तो ये लगातार अब यहाँ पर हलचल बढ़ गई है, पिछले करीब 10.5 घंटे से यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है, पूछताछ कर रही थी, तमाम जो जरूरी फॉर्मेलिटीज थी वो कर रही है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और गिरफ्तारी संजय सिंह की हो गई है। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद इस दरवाजे से या फिर मुख्य दरवाजे से कहीं से भी निकल सकते हैं। आप देखिए, गेट पर अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। तो ऐसे में इस आबकारी नीति मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है सांसद संजय सिंह की। लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाती रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया था कि इस मामले में 15 महीनों से जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए पूरा जो कथित घोटाला है इसकी जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। और अब यहाँ पर आप देखिए, कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ, जो कि लगातार नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे, संजय सिंह को समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंच रहे थे। ये पूरा जो आवास है यहां पर अगर आप देखेंगे यहां, तो सिक्योरिटी बढ़ाई है। मैं दूसरे रास्ते की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इस यहां पर भी आप देखेंगे तो अर्धसैनिक बल के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है, ये देखिए यहां पर अर्धसैनिक बल के जो जवान है वो आपको नजर आएंगे। ये देखिए,
यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं धरने पर। ये देखिए कार्यकर्ताओं से नहीं, अभी हमारे सांसद जी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर सांसद जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरेस्ट कर लिया है। देखिए लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सिंह के घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जावेद आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या दिनेश अरोड़ा को कल जिस तरीके से सरकारी गवाह बनाया गया, उनका बयान कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय सिंह के लिए गले की फांस बन गया हो? देखिए जिस तरह से करीब 10.5 घंटे से पूछताछ संजय सिंह से चल रही थी, अंदर तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे थे, ऐसे में अब गिरफ्तारी की जो खबर आ रही है कई ऐसे पहलू हैं जो ईडी इसमें जांच बढ़ाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो ईडी के आरोप हैं, जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उनको खारिज करती रही है। ऐसे में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई है, जो कि सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। चाहे वो राज्यसभा में हमने देखा हो, वो अभी सस्पेंडेड चल रहे हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर जो बहस हो रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी किया जाना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वो अभी आबकारी नीति मामले में जेल में है। लेकिन अब संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है सामने, और ऐसे में बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और यही वजह है कि जो यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे अब उनका गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा और लगातार ये नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो कितनी देर में पूरी होती है, और संजय सिंह को लेकर कितनी देर में ईडी यहाँ से निकलती है। ठीक है जावेद, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय सिंह के सरकारी आवास से, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद है।